अरे जिस इंसान को हम सब दिल में मार चुके हैं और वो अब भूत बन चुका है। और भूत से कोई बात करता है का? अम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे हाँ अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं? बिंदिया भेज बदल कर आई पायल और क्रिश की जिंदगी में। तो भाई यहाँ पर अब बिंदिया टूट चुकी है पूरी, क्योंकि बिंदिया को समझ में आ गया है कि भाई कुछ तो चक्कर है जो क्रिश अचानक से पायल से कैसे शादी कर रहा है। ये भूत थोड़ी है, ये तो भूत नहीं है ना, जो कि भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। पीछा ही नहीं छोड़ती है, तभी तो हर बार हमारे बाबू के जीवन में मुसीबत का पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है। और कृषि था या कोई और था, मतलब बिंदिया को अब समझ में आता जा रहा है कि भाई कोई और था शायद जिसने मुझे धक्का दिया था, और कौन है ऐसा घर में जो ये सारी चीजें कर रहा है। अरे इंदु, तुम अभी तक यही क्या तुम भी बेकार की बातों में लग गई हो है? अम्मा ने कहा ना कि ये भूत बन गई है, तो भटकने दो इसे। चलो शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी है, उन्हें देखना है कि नहीं। तो यहाँ पर भाई अब बिंदिया भेष बदल कर आ जाएगी, क्योंकि बिंदिया भाई पहले भी आ चुकी थी। और बिंदिया जब क्रिश और पायल की शादी हो रही थी तो वो अम्मा को, घर वालों को, सबको समझाती है कि भाई समझो कि ये हत्यारा है जो क्रिश है ना, आपका बेटा, उसने मेरे को धक्का दे दिया था पहाड़ों के ऊपर से। और यहाँ पर जो क्रिश होता है वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। चलो टाइम कम है, चलो 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 चलो। हे अम्मी मां, हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर का रहे, इन सबके मन में हमने लिए इतना सहर पर क्या कि मैंने ऐसा कुछ भी किया था, क्योंकि कृष्ण ने तो किया ही नहीं था, वो तो भाई उसका कोई डुप्लीकेट था जिसने किया था। तो यहाँ पर सारे घर वाले ना उसको झूठी साबित कर देते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और भाई शादी तो हो ही जाती है यहाँ पर पायल और कृष्ण की। तो भाई अब बिंदिया एक नई प्लानिंग के साथ आती है और यहाँ पर एंट्री लेती है बिल्कुल भेष बदल कर। और भाई हम देख रहे हैं जिस तरीके से बिंदिया के ना बड़े बड़े दांत हैं, चश्मा लगाई हुई है, एक यहाँ पर कुछ टीका सा लगाई हुई है, अलग ही है। और यहाँ पायल को शक हो जाता है और पायल ना उसका घूंघट उतार के बोलती है कि भाई ये देखो, ये तो बिंदिया लग रही है, मुझे एक बार घूंघट उतार के दिखाओ। और यहाँ पर जैसे ही वो घूंघट उतारती है तो भाई वो तो अलग ही कुछ और होती है, बिंदिया तो लग नहीं रही होती है। तो वहाँ पर पायल समझ जाती है ठीक है, ये कोई और होगी तो तुम काम कर सकते हो, और यहाँ पर वो नौकरानी की तरह काम करेगी। और भाई धीरे धीरे ना यहाँ पर साक्षी और जो पायल है उन सबकी बातें सुनकर वो उनका पर्दाफाश करेगी।